इसमें है ना सर, मेरे मामा को नेटवर्क नहीं आ रहा है गाँव में। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं विक्रम भाई। और वो बाजरा का जो रिजल्ट मिला है, बाजरा का ओके, बाजरा का रिजल्ट मिला है ओके, इसमें जब खेड किया था इसमें हाँ। ग्रेन्यूल डाला था ओके, खेड़ में ही डाल दिया, शुरुआत में ग्रेन्यूल डाला खेड़ में। हाँ ओके, कितना डाला था? एक एक थैली है ना अपनी आती है ना, 5 किलो की, एक बीघा में। हाँ एक बीघा में, एक बीघा में एक बैग डाल दिया 5 किलो की। हाँ 5 किलो की ओके। और फिर वो बीआरएन में एग्री ह्यूमिक और एग्री 82 का मोहन किया था ओके ओके, एग्री 82 का पट दिया बराबर। हाँ पट दिया था और ह्यूमिक 82 प्लस ह्यूमिक, जो सीड्स होता है सीड्स में उसने पट दिया, पट दिया राइट ओके। हाँ ओके, और फिर जब वो बो दिया, बो देने के बाद 30 दिन के बाद ह्यूमिक और 82 का छिड़काव किया था। अच्छा एक चीज यहाँ पर है, ग्रेन्यूल्स के साथ कुछ डाला था आपने 82? नहीं ग्रेन्यूल के साथ नहीं डाला था, नहीं डाला था ओके ओके। अच्छा 20 दिन के बाद, आफ्टर 20 दिन राइट, हाँ हाँ, फिर क्या किया? फिर ह्यूमिक और एग्री 82 का छिड़काव किया ओके। कितना ह्यूमिक लिया था आपने? ह्यूमिक 30 ml और एग्री 82 15 ml ओके। ह्यूमिक 30 ml, एग्री 82 15 ml, 15 लीटर के पंप में। हाँ 15 लीटर के पंप में आपने लिया था ओके, वो छिड़काव किया। और उसके बाद 20 दिन हुआ तो फिर एग्री 82 और एग्री मोस का छिड़काव किया ओके। आफ्टर 20 दिन, 20 दिन के बाद 82 और मोस का छिड़काव किया, कितना 82 लिया था आपने? 82 सर 10 ml ओके, और वो 20 ml ओके ओके। 82 आपने 10 ml और मोस आपने लिया था 20 ml 15 लीटर के पंप में। और सर क्या है, अभी एक छिड़काव बाकी है। हाँ जी एक छिड़काव बाकी है, लेकिन रिजल्ट बहुत बढ़िया, आप देखो तो अभी वो बाजरी का है, वो निकल आया है, लेकिन एक बाकी है। ओके 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 ओके, तो कैसा ग्रोथ लगता है? सर जबरदस्त ग्रोथ रहता है, और डांगर में भी सर बहुत बढ़िया उत्पादन मिला है। सर बाजरी जो पहले थी अब उससे कितना परसेंटेज ग्रोथ आपको दिखा? जो सर बाजरी है ना, बाजरी हाँ वो किसी की ऐसी है ही नहीं, ऐसी ऐसी हुई है सर। क्या बात है, बहुत बेहतर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया राइट। अभी मैं सर, जो फोटो हाँ हाँ क्या कहते हैं, फोटो भेजा है सर, फोटो भेजा है। हाँ वो फोटो मैं दिखाता हूँ, मैं फोटो दिखाता हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत बेहतरीन विक्रम भाई, आपने बाजरी पे जबरदस्त रिजल्ट लिया। मैं एक बात बताऊं, बाजरी और सर डांगर में भी, चावल में भी बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला सर। ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये देखिए ये आपके मामा जी का है खेत। अच्छा अच्छा हाँ। ओके बहुत बढ़िया, ये देखिए बाजरी राइट, इतना ही किया है और बेहतरीन रिजल्ट है, बहुत अच्छी तरह से खड़ी है बाजरी। यस 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 ओके 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 फाइन। देखिए फिर एक बार आपको मैं कहता हूं कि एक बीघा में ग्रेन्यूल शुरुआत में एक बैग डाला था, मतलब 5 किलो, और 82 और ह्यूमिक का जो पट दिया था बीज के साथ पट दिया था राइट, बहुत हल्के हाथ से देना है पट, और सूख जाता है उसके बाद बो देना है राइट। फिर 20 दिन के बाद 15 लीटर के पंप में ह्यूमिक 30 ml और 82 15 ml डाला, और फिर 20 दिन के बाद 82 10 ml और मोस 20 ml 15 लीटर के पंप में डाला। और सर एक हाँ बात है कि हेलो हाँ बोलिए बोलिए विक्रम। वो सर पट देने के बाद वो छांव में रखने का? अच्छा धूप में नहीं रखने का? हाँ पट देने के बाद छांव में रखने का, सूख जाए उसके बाद ही वो यूज करना है। ओके थैंक यू सर। नहीं नहीं बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपके आप अच्छा रिजल्ट ले रहे हैं तो शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा हम बेनिफिट दे सके राइट। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम भाई आपका, और आपके मामा जी का भी बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट शेयर किया राइट। थैंक यू सर, विश यू वेल सर, अने मने आप बोलवा माटे तमे मौको आप्यो सर। यस यस थैंक यू सर। यस यस थैंक यू। दोस्तों आप सभी का अप्रैल मंथ जबरदस्त एनर्जी भरा हो।